जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉरपोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। नौगछिया स्टेशन से प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना हुए लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता। राजगीर में 22 सितंबर से होने वाले लोजपा रामविलास पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए बुधवार को देर रात बड़ी संख्या में कार्यकर्ता केपिल एक्सप्रेस से रवाना हुए। इस अवसर पर लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव सुरेश भगत ने कहा कि जनता सभी पार्टियों को देख चुकी है, ऐसी स्थिति में लोजपा रामविलास पार्टी में ही बिहार का नव निर्माण करेगी। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सुरेश भगत, जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान भी मौजूद थे। शहीद टोला में समारोह पूर्वक मनाई गई मुंशी शाह की जयंती, किया गया प्रतिमा का अनावरण। अमर शहीद मुंशी शाह जी की जयंती के अवसर पर शहीद टोला स्थित शहीद मुंशी पुस्तकालय परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद मुंशी शाह की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसके बाद लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण किया और कई वक्ताओं ने मुंशी शाह के स्वतंत्रता संग्राम को याद किया। इस अवसर पर प्रोफेसर हरिनंदन प्रसाद, प्रोफेसर विजय कुमार, ताइक्वांडो जिला संघ के महासचिव सह नौगछिया खेल संघ के संयोजक घनश्याम प्रसाद, पुस्तकालय कमेटी के अध्यक्ष आरपी राकेश, सचिव सदानंद भगत, जय जय राम, नरेश भगत, मनोज शाह समेत अन्य भी मौजूद थे। नगरीय एपीएचसी में टीबी स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगर में राष्ट्रीय टीबी अनुमूलन कार्यक्रम के तहत टीबी स्क्रीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 37 मरीजों का स्क्रीनिंग किया गया तथा टीबी के संभावित 8 मरीजों का जांच के लिए बलगम का सैंपल लिया गया। जांच टीम में शंकर कुमार, मनीष माधव, डॉक्टर सचिंद्र कुमार, स्टाफ नर्स अमन कुमार, एएनएम बलांदीना वास्के, डीआईओ राजेश कुमार, आशा कार्यकर्ता चांदनी कुमारी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बोली उपसभापति प्रत्याशी रश्मि रथी, सासू माँ को मिला जनता का आशीर्वाद, अब बहू की बारी। नौगछिया नगर परिषद चुनाव 2022 के नामांकन की समाप्ति के बाद समीक्षा हुई, जिसमें वार्ड 19 में 2 प्रत्याशी के नामांकन होने के बाद आवेदन में त्रुटि होने के कारण व नियमावली के नियमानुसार नहीं होने के कारण नगर परिषद के वार्ड 19 के एक आवेदक का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप वार्ड 19 से हेमलता देवी, पति कृष्ण देव यादव उर्फ केडी यादव निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। वहीं समीक्षा के बाद घोषणा के बाद हेमलता देवी के परिजनों एवं समर्थकों में हर्ष का माहौल है। वहीं उनकी पुत्र वधु रश्मि रथी नौगछिया नगर परिषद के उपसभापति पद की दावेदारी में है। समीक्षा होने के बाद उपसभापति पद के उम्मीदवार रश्मिपति पूर्व पार्षद से वर्तमान वार्ड 22 के प्रत्याशी अजय प्रमोद यादव ने बताया कि उनकी सासू माता को जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, अब उनकी बारी है। आगामी 25 सितंबर को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उनका चुनाव प्रचार अभियान प्रारंभ हो जाएगा। उन्हें और उनके परिवार को और नौगछिया की जनता ने काफी आशीर्वाद दिया है। उन्हें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और भारी मतों से उपसभापति पद पर जीत दर्ज करेंगी। वहीं मौके पर उनके दर्जनों समर्थक भी मौजूद थे। वार्ड पार्षद पद पर कुल 4 लोगों का पर्चा रद्द।
कुल 30 पदों पर 140 प्रत्याशी मैदान में। नौगछा नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के बाद संवीक्षा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वार्ड पार्षद पद पर नामांकन दाखिल करने वाले 4 दावेदारों का प्रचार रद्द कर दिया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 4 से फिरदौस अंजुम, सोनी खातून, 19 से रेणु देवी और 17 से मुन्ना बैठा है। निर्वाचन कार्यालय से जानकारी मिली है कि सभापति पद पर कुल 10 दावेदार, उपसभापति पद पर कुल 8 दावेदार और वार्ड पार्षद के कुल 28 पद पर 128 दावेदार चुनावी मैदान में है। नौगछा के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार के कार्यालय से जानकारी मिली है कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी और 25 सितंबर को घोषित प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। मालूम हो कि 10 अक्टूबर को मतदान और 12 अक्टूबर को मतगणना होना है। फरार वारंटी को इस्माइलपुर पुलिस ने नीच टोला से किया गिरफ्तार। इस्माइलपुर पुलिस ने वर्ष 2015 के मामले में कोर्ट के फरार वारंटी को नीच टोला से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि गिरफ्तार वारंटी नीच टोला निवासी कन्हैया मंडल है। कन्हैया मंडल के विरुद्ध नौगछिया व्यवहार न्यायालय में GR नंबर 161 वर्ष 2015 दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस्माइलपुर पुलिस ने शराब अधिनियम मामले में आरोपी को नारायणपुर चंडी स्थान से गिरफ्तार कर कहलगांव पुलिस को किया सुपुर्द। इस्माइलपुर पुलिस ने शराब अधिनियम मामले में आरोपी को नारायणपुर चंडी स्थान से गिरफ्तार कर कहलगांव पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी नारायणपुर चंडी स्थान निवासी धनंजय शाह है। गिरफ्तार आरोपी कहलगांव थाने में दर्ज थाना कांड संख्या 113 वर्ष 2019 में शराब अधिनियम मामले में आरोपी है। 28 फरवरी वर्ष 2019 को कहलगांव थाने में आरोपी के विरुद्ध शराब अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था। शराब पीने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। नौगछिया पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 आरोपियों नवादा निवासी सुमन कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों का मेडिकल चेकअप नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है। इधर डंगरा पुलिस ने 15 लीटर देसी शराब के साथ सैदपुर निवासी सिंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने आरोपी की पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। जबकि शराब के नशे में गोपालपुर पुलिस ने आजमाबाद से जोगी राय को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क दुर्घटना में 2 घायल। रंगरायना 31 स्थित भवानीपुर के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरने से 2 युवक घायल हो गया। घायल युवकों में कटिहार जिला के फलका थाना क्षेत्र के मोहम्मद अरसद के पुत्र मोहम्मद अताबुल मोहम्मद रतीब घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। मारपीट में 1 घायल। नौगछिया में मारपीट में 1 लखीसराय जिला के मदनी चौक थाना क्षेत्र के किरणपुर निवासी केदार महतो के 25 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। पंचायती राज मंत्री से मिलकर वार्ड सदस्य संघ के प्रतिनिधि मंडल ने 10 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी और प्रदेश संगठन प्रभारी नवीन चौधरी समेत प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बिहार के पंचायती राज मंत्री से मिलकर वार्ड सदस्यों की 10 सूत्री मांगों और समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने वार्ड में सही मायने में स्थानीय स्वशासन की सरकार स्थापित करने की दिशा में पहल करने की अपील की। प्रदेश संगठन प्रभारी ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि पंचायत के वार्ड सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में शासन का केंद्र बिंदु वार्ड बने। वार्ड की अपनी अपनी स्थानीय स्वशासन की सरकार बने, जिससे गांधी के पंचायती राज के सपनों को साकार किया जा सके। वार्ड सदस्यों को वार्ड के शासन प्रशासन का पूरा पूरा अधिकार मिले, ताकि वार्ड सदस्य अपने वार्ड के लोगों का सर्वांगीण विकास कर सके।
वार्ड सदस्यों को सांसद और विधायक की तरह सुविधा मुहैया कराई जाए। प्रतिनिधि मंडल में पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी, प्रदेश संगठन प्रभारी नवीन चौधरी, पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार, किशनगंज जिला अध्यक्ष नूर मोहम्मद समेत अन्य शामिल थे। गोरीपुर में विद्यालय में घुसकर पीटकर किया जख्मी। गोरीपुर में विद्यालय में घुसकर पीटकर जख्मी कर देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुष्पा देवी ने थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उसने सूरज कुमार, करकून कुमार और दिलखुश सभी गोरीपुर को नामजद किया है। अपने आरोप में बताया कि मेरे पुत्र अभिषेक कुमार को 9:45 बजे विद्यालय में घुसकर उपरोक्त नामजदों ने लाठी व डंडे से जमीन पर पटक कर बुरी तरह से पीट दिया। जब हम लोगों ने विरोध किया तो जान मारने की धमकी दी। ये लोग पिस्तौल लेकर विद्यालय पहुंचे थे। बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया, आवेदन के आलोक में पड़ताल की जा रही है। 10 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मंगलवार की रात बीपुर पुलिस और एएलटीएफ की संयुक्त टीम ने भ्रमरपुर के सतियारा गांव में छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज सतियारा गांव विक्की कुमार है। गिरफ्तार तस्कर को बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत कराने भेजा गया। पंचायत समिति की बैठक में 13 बिंदुओं पर हुई चर्चा। बुधवार को प्रखंड के शिल्प भवन में प्रमुख श्रीमती रिंकू देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री हरि मोहन कुमार के द्वारा किया गया। बैठक में 13 एजेंडा पर चर्चा हुई। 15वीं केंद्रीय वित्त आयोग, सिस्टम राज्य वित्त आयोग, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन SLWM, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए जमीन उपलब्धता, पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्धता, जातीय आधारित जनगणना, शेष बचे हुए पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण, निशुल्क लोगों के लिए बैटरी चलित ट्राई साइकिल, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से आवास पूर्ण कराने को लेकर जन प्रतिनिधियों के सहयोग, 4 शिक्षक पर कार्रवाई जो लेकर पंचायत को निर्देश, नलकूप योजना का संचालन, नलकूप योजना अब पंचायत से ही संचालित होनी है, 4-4 नवयुक्त पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारियों का परिचय और पंचायत हलका आवंटन, कुआं जीर्णोद्धार को पूर्ण करने को लेकर पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया। मौके पर अंचल अधिकारी श्री अजय कुमार सरकार, चिकित्सा पदाधिकारी विनोद कुमार, भवानीपुर थाना के SI संजय कुमार मंडल, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गुप्ता प्रवीण, कार्यक्रम पदाधिकारी लाल मोहन राय, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी प्रमोद कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी कन्नी अभियंता, सिंचाई विभाग कन्नी अभियंता PHED, तकनीकी सहायक लेखापाल, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जीविका प्रतिनिधि, BEO प्रतिनिधि आदि के साथ साथ सम्मानित जन प्रतिनिधि, मुखियागण, समिति सदस्यगण आदि मौजूद थे। फरार वारंटी को इस्माइलपुर पुलिस ने नीच टोला से किया गिरफ्तार। इस्माइलपुर पुलिस ने वर्ष 2015 के मामले में कोर्ट के फरार वारंटी को नीच टोला से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि गिरफ्तार वारंटी नीच टोला निवासी कन्हैया मंडल है। कन्हैया मंडल के विरुद्ध नौगछिया व्यवहार न्यायालय में GR नंबर 161 वर्ष 2015 दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस्माइलपुर पुलिस ने शराब अधिनियम मामले में आरोपी को नारायणपुर चंडी स्थान से गिरफ्तार कर कहलगांव पुलिस को किया सुपुर्द। इस्माइलपुर पुलिस ने शराब अधिनियम मामले में आरोपी को नारायणपुर चंडी स्थान से गिरफ्तार कर कहलगांव पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी नारायणपुर चंडी स्थान निवासी धनंजय शाह है। गिरफ्तार आरोपी कहलगांव थाने में दर्ज थाना कांड संख्या 113 वर्ष 2019 में शराब अधिनियम मामले में आरोपी है। 28 फरवरी वर्ष 2019 को कहलगांव थाने में आरोपी के विरुद्ध शराब अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था।
शराब पीने के मामले में पुलिस ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार। नौगछा पुलिस ने शराब पीने के मामले में दो आरोपियों नवादा निवासी सुमन कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों का मेडिकल चेकअप नौगछा अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है। इधर डंगरा पुलिस ने 15 लीटर देसी शराब के साथ सैदपुर निवासी सिंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने आरोपी की पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। जबकि शराब के नशे में गोपालपुर पुलिस ने आजमाबाद से जोगी राय को गिरफ्तार कर लिया है। हंसाने वाले रुला गए कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव, थम गई प्रशंसकों की हंसी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने AIIMS में अंतिम सांस ली। कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था और वो गजोधर भैया के नाम से पर्दे पर मशहूर थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। राजू श्रीवास्तव को असली पहचान कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली थी। इस शो में राजू ने एक काल्पनिक किरदार गजोधर बनकर खूब दर्शकों का मनोरंजन किया था। इसी टीवी सीरीज के अलावा फिल्मों में अलग पहचान बनाई। प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर देशवासियों सहित उनकी शुभचिंतक सूचना पाकर सत्यवध रह गए एवं भावपूर्ण नमन किया। इस अवसर पर श्री सद्र गुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम कुमार ने कहा कि कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव ने अपने जीवन के संघर्ष के बल पर अपनी प्रतिभा से शून्य से शिखर तक पहचान कायम किया, जो प्रेरणादायक है एवं हंसी हास्य और सकारात्मक विचारों के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। तनावपूर्ण जीवन शैली के बीच उनके कार्यक्रम को देखने से मन हमेशा प्रसन्न रहता था। कॉमेडी किंग हमेशा अवश्य वर्णीय रहेंगे। मौके पर सद्गुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम कुमार, अध्यक्ष राजेश रमन, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, कांतेश कुमार उर्फ टीनू, कोषाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, शशि प्रसाद, महासचिव विश्वास झा, वरुण यादव, सोनू कुमार, रिंकज सहित अन्य शुभचिंतकों ने भावपूर्ण नमन किया। जच्चा बच्चा मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग के RDD ने ली विस्तृत जानकारी, अस्पताल का निरीक्षण कर दिए निर्देश। बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीपुर का स्वास्थ्य विभाग के RDD डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। श्री सिंह ने OPD, प्रसव कक्ष, महिला वार्ड, नवजात शिशु इकाई वार्ड, जांच घर, आपातकालीन कक्ष समेत अन्य वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पौदार को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रसव कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने को लेकर बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं RDD ने पिछले अगस्त माह में सोनवर्षा वार्ड नंबर 1 निवासी चितरंजन पोदार की 32 वर्षीय पत्नी शकुंतला देवी और नवजात बच्चे की मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत मामले की विस्तृत जानकारी मृतक महिला के परिजनों एवं डॉक्टरों से लिया। मृतक महिला के परिजनों ने RDD को बताया कि ममता के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से जच्चा बच्चा की मौत हुई है। वहीं डॉक्टर श्री सिंह ने बताया ममता के द्वारा बिना डॉक्टर को बताए चुपके से कौन सा इंजेक्शन लगाया गया है उसकी जानकारी ली जा रही है। अस्पताल में डॉक्टरों व स्टाफ की संख्या कम है, बावजूद इसके जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग कर काम किया जा रहा है। जहां कुछ त्रुटि है उसकी ठीक का निर्देश चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया है। ज्ञात हो कि जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने बीपुर अस्पताल में जमकर तांडव मचाया था, गार्ड को भी पीट दिया था।